बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुना जी कि मियाँ साहब की तबीयत जो है वो ख़राब है और वो कल इस वजह से इस्लामाबाद नहीं जा सकेंगे, उनकी टांगों में कोई इन्फेक्शन है। जी वही हुआ जिसका डर था एक्चुअली। मियाँ साहब पिछले 2 साल से ये कह रहे थे हमारी टांगें ना खींचें ना खींचें, लेकिन खान साहब बाज नहीं आए। आपने टांगें खींच खींच के उनकी टांगों में इन्फेक्शन करवा दिया। मियाँ साहब ऐसी गल दसो, तुम टांगे आपकी में इन्फेक्शन है, दिल ता वैसे ही खराब है, नीयत शुरू तो खराब, मतलब नीयत तो आपकी ठीक हुई नहीं कभी है, खानदान ताड़ा गंदा, मतलब ये सब कोई ख्याल ही कर लो। उम्र के इस हिस्से में ही आके कोई ऐसा काम कर लें कि आपकी थोड़ी बहुत इज्जत ही कर लें हम लोग। मतलब यकीन करो असी सोचने कभी कभी ताड़ी इज्जत करिए, लेकिन दिल ही नहीं मानता। मतलब बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी रही हैं, आपने किया इतना कुछ है, इतने ड्रामे किए आपने हमारे साथ कि दिल ही नहीं करता कि आपकी इज्जत की जाए। अच्छा जी, वो परवेज रशीद साहब पे जरा वो, अब ये कश्मीर पर बड़ी बात हो रही है, कश्मीरी इलेक्शन होने वाले हैं, इतना झूठ बोला जा रहा है। ये परवेज रशीद साहब एक्चुअली पिछले दिनों इसलिए गायब थे क्योंकि मियाँ साहब मुल्क में नहीं थे, वो बाहर थे 48 दिनों के लिए, तो वो अपना जहर भरवा नहीं सके। तो अब ये दोबारा जब अबलीस की मजलिस से शुरू जब लगी है, तो वो तमाम मशीनों ने जाके जो है वो थोड़ा थोड़ा जहर लिया बाबा साई नवाज शरीफ साहब से, और जा अब दोबारा वो जो है वो जोश में आ गए दोबारा और दोबारा बोलने लग गए। तो परवेज ऋषि साहब ने कहा जी कि हम बिजली का मसला हल कर देंगे कश्मीर में। और किस तरह करोगे यार, तुम 2013 से लेकर अब तक तो तुम लोग वहां पर तो कर नहीं सके जहां पर तुम लोग की गवर्नमेंट है। अच्छा नहीं, इन्होंने कहा कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वहां वहां खुशहाली आ गई है। बिल्कुल ठीक बात है, जहां जहां नून की हुकूमत है वहां वहां नून के खानदान का जो है खानदान जो है वो खुशहाल हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ये लोग इतने झूठ बोल रहे हैं और लोग फिर भी इनको वोट शायद दे देंगे, यकीनन वोट दे देंगे, जाहिर है, क्योंकि इन लोगों ने लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को वही ड्रामेबाजियां वही दो नंबरियां वो करेंगे, वो लोग भी इनकी तरह इन्होंने लोगों को भी अपनी तरह जाहिल गंवार और जो है ना वो करप्ट बना दिया। वो एक्चुअली असल मसला है, और ये करप्शन ऊपर से जो ट्रिगर डाउन करती है ये नीचे अवाम तक, इन्होंने ये अवाम के अंदर सराइयत कर दिया हुआ है छोटे छोटे अवाम के फायदों के लिए, और अवाम भी उन्हीं फायदों में आ जाती है, और जाहिर है शायद ये रिजल्ट ऐसा ही निकलेगा। बहरहाल सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि परवेज रशीद साहब ने ये कहा कि जमहूरियत की कोई बात की कि पता नहीं क्या, खान साहब ने कोई बयान दिया था। एक तो हमारा मीडिया माशाल्लाह आपको पता है, तो बयान को ट्विस्ट करने में मीडिया का सानी कोई नहीं है। ये मीडिया जो है एक थोड़ी सी कंदील बलोच साहिबा के बारे में बात कर लें, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनकी उनके जो है दर्जात बुलंद करे, उनकी जो भी गलतियां हैं कोताहियां अल्लाह ताला उनको माफ करे, ये मीडिया जो है ये बाकायदा तौर पर शामिल है उसके कत्ल में। मीडिया को नामजद करना चाहिए कातिल के तौर पर उसके कत्ल में, और जितने भी 2-3 बड़े चैनल्स हैं इन लोगों ने इतनी ड्रामेबाजियां की हैं उसके साथ, इतनी ड्रामेबाजियां की हैं कि, और यही वो ड्रामे ये हर एक के साथ ही करते हैं, ये सिर्फ उसके साथ नहीं, ये हर एक के साथ करते हैं, और बाद में उसी पर एक ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं। खैर, इन्होंने बड़े बुरे तरीके से बयान